शावर यू गाइज आर माई पावर्स। तो चलिए आज कुछ बनाते हैं, सो लेट्स गो। सो वी आर गोइंग टू मेक दिस रॉयल स्ट्रॉबेरी जेली। पहले ये पैकेट खोलेंगे। एक कप पानी को बॉइल करेंगे। One cup of water, bowl, and a high flame. इस पैकेट के सारे पाउडर को बॉइलिंग वाटर के अंदर डाल देंगे। So here we go. और फिर अच्छे से इसको मिलाएंगे। एक कप ठंडा पानी डालेंगे। अगर पानी ज्यादा ठंडा नहीं है तो आप आइस क्यूब्स भी यूज कर सकते हैं। जितना ज्यादा ठंडा पानी उतना ज्यादा ये इफेक्टिव होगा, इसलिए आप ठंडा पानी ज्यादा नहीं। इसे सेट होने के लिए इसे मोल्ड में ट्रांसफर कर देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको जो भी शेप का मोल्ड चाहिए आप उसमें इसे डाल सकते हैं। सो बेसिकली अबाउट 4 सर्विंग्स होता है। मोस्टली अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटा पकड़ लीजिए। इसे फ्रिज में रखेंगे और इसे थोड़ा चिल करेंगे, एंड फिर उसके बाद आप इसको फ्रूट्स के साथ पाइनएप्पल, कीवी, मैंगो, कोई भी फ्रूट्स के साथ सर्व कर सकते हैं। मैं इसे फ्रिज में डाल रही हूँ ठंडा होने के लिए। तो अभी मैं नहा कर आई हूँ। कल रात को एक्चुअली 2 घंटे बाद मैंने जली को चेक किया, बट वो उतना सेट नहीं हुआ था जितना एक्सपेक्टेड था। तो मैंने बोला कि उसको थोड़ा रात भर लेट इट सेट फॉर ओवरनाइट। तो मैंने उसको रात भर सेट होने दिया है और अब मैं लंच के बाद नहाने गई और मैंने सोचा कि उसको मैं लंच के बाद खा लेती हूँ। तो अभी मैं लाती हूँ एंड लेट्स सी। फ्रिज में से निकाला और आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट बना है। एंड आई लव दिस कंसिस्टेंसी, एकदम स्लाइम जैसा लगता है मुझे। तो अब मैं इसे टेस्ट करने वाली हूँ। एंजॉय करती हूँ। आप भी जाइए बनाइए, कमेंट में फीडबैक्स दीजिए। आपने इसे फ्रूट्स के साथ खाया या नॉर्मली खाया या कौन से फ्लेवर का जेली ट्राई किया, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, बी पावरफुल।